हो गया। आगे सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी आओ। चलो ठीक है, जल्दी से सारे लोग ऑनलाइन आ जाओ। वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से। जल्दी आ जाइए आप लोग सभी। कहाँ गए? मैंने ज्यादा तारीफ कर दी क्या बाकी लोगों की? कहाँ हो? कहाँ हो आप लोग? कल ज्यादा तारीफ कर दी क्या मैंने? कोई भी नहीं दिख रहे हो अभी, जल्दी जल्दी आओ। गुड, चलो सब ऐड हो गए हैं। तो आज ये मेरा फर्स्ट पीरियड है ना, कल और आज मेरा फर्स्ट पीरियड रहेगा। अच्छा, इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो सबको गुड इवनिंग, है ना। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं सब लोग बता दो आप लोग, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मीरा, द्रौपदी। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। कल क्या पढ़े थे हमने? नाउन को मतलब नाउन अभी पढ़े हैं, जिसमें से हमको क्या करना है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना है ना। तो कल थोड़ा सा जो है हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, ताकि आगे की चीजें क्लियर हो, ठीक। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमको कैसे वाई और वाई में देखना है, और मैंने क्या बताया था, जो मिट चुका है शायद, एफ और एफ ई का बताया था, है ना। तो आज पक्के से मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगी, क्योंकि दो तीन ज़्यादा मतलब कम से कम चार पांच तो हो ही रहा है ना। हाँ, पांच हो गया रूल। तो मैं आज होमवर्क दे दूंगी। थोड़ा सा पुराने चलते हैं हम लोग, कि क्या पढ़े थे कल, कि अगर एफ है ना किसी नाउन से मतलब सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाना है, मतलब एक वचन से बहुवचन, इतना तो समझ ही रहे ना। सिंगुलर से प्लूरल कैसे, कि अगर मेरे पास एक पेन है और मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, तो एक पेन के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूं, या उसके जगह कौन सा वर्ड लगाकर उसको यूज़ करूं, और दूसरे के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूं, है ना। सिंगल, अगर मेरे को एक टुकड़े की बात करनी है तो वन पीस लिखूंगी, है ना। और अगर वही चीज़ अगर मेरे पास दर्जनों भर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 12 लिखूंगी। तो ये 1 से 12 तक की गिनती हमारे हिंदी के लिए बहुत इजी हो जाती है, लेकिन वही बात अगर इंग्लिश की आती है तो हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो वो डिफिकल्टीज हटाने के लिए हम रूल्स देखे थे, है ना। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, एफ और एफ ई वाला रूल था, ठीक, कि अगर किसी नाउन में, है ना, अगर किसी नाउन में एफ या एफ ई हो, तो हम उसको किसी सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटा के क्या लगा देते हैं, वी ई एस, ठीक है। अगर फिर से ध्यान से सुनना, मैं रिकॉल कर रही हूँ ना, नया कुछ नहीं बता रही हूँ, पुराना ही बता रही हूँ आप लोग को, कि अगर मुझे सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाना है, क्या करना है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाना है, और उस नाउन में मतलब सिंगुलर नाउन में अगर आपको एफ या एफ ई मिलता है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा। फिर से लाइन रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी सिंगुलर नाउन में एफ या एफ ई लगा हुआ है, तो मेरा उसका प्लूरल कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बता सकते हो, जल्दी से बताओ। तो अगर किसी सिंगुलर नाउन में एफ या एफ ई लगा हो, तो उसका प्लूरल के लिए क्या होगा, है कोई आंसर देने वाला, है क्या? सिंगुलर से प्लूरल बनाना है बेटा ना, मतलब सिंगुलर नाउन में एफ या एफ ई लगा है, तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा,
कल बताई थी हमको सिंपल सा क्या करना है, उस एफ या एफ ई को हटा देना है और उसकी जगह हमको क्या लगाना है, वी ई एस, वी फॉर वैन, ई फॉर एलिफेंट, एस फॉर शिप, वी ई एस। इतना क्लियर हुआ क्या कि अगर एफ या एफ ई पाया जाएगा तो हमको क्या लगाना है वहां पे, वी ई एस। जैसे कि सबसे जो है इजी एग्जांपल मैं लेती हूँ, वाइफ मतलब पत्नी है ना, तो वाइफ का प्लूरल क्या होगा, मतलब एक पत्नी है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सा वाइफ। लेकिन अगर वही बहुत सारी पत्नियां हैं तो हम तो पत्नियां हिंदी में लिखिए, लेकिन उसी को इंग्लिश में हम प्लूरल में कैसे यूज करेंगे, वाइव्स बोलते हैं उसको, वाइव्स। ठीक है, उसका स्पेलिंग क्या होगा, एफ ई को हटाना है, डब्ल्यू आई वी ई एस। क्लियर हुआ क्या, इसको लिखोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा डब्ल्यू और आई सेम वही रहेगा, एफ ई भी रहेगा, है ना। लेकिन ये क्या है, सिंगुलर के केस में, अगर इसी को मेरे को प्लूरल में बनाना है तो ये एफ ई को मैं हटा दूंगी वहां से और लिखूंगी क्या, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स। हो गया, समझ में आया, ये मेरा पुराना रूल था जो मैं कल पढ़ाई थी। ठीक है, लेकिन ये एफ और एफ ई के साथ थोड़े से एक्सेप्शंस भी बताई थी मैं, है ना, वो एक्सेप्शंस का दो चार लिस्ट मैं दे दूंगी और आप लोग भी सर्च करो, ठीक है, आज मिल ही जाएगा पक्का। ठीक, और क्या बताई थी मैंने, उसके बाद मेरा नेक्स्ट रूल क्या आया था, वाई वाला, है ना, कि अगर किसी सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने में उस सिंगुलर नाउन में आपको वाई मिलता हो, तो अगर क्या बोल रही हूँ, सिंगुलर नाउन है ना, क्योंकि हमको इसलिए पढ़ना है, ये ऐसा नहीं आएगा कि चेंज करो, है ना, ये बच्चों वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, एरर फाइंड आउट करने आता है। आपको लिख दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन वाइव्स, वाइव्स डब्ल्यू आई वी ई एस, तो क्या ये सही है, क्या वन लिखा हुआ है और वाइव्स लिखा हुआ है, वाइफ आना चाहिए कि वाइव्स आना चाहिए, यहाँ पे वाइफ आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, मतलब सिंगल की बात कर रही है, तो सिंगल की जब बात करेंगे तो वाइफ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे टू या थ्री लिख दिया जाता तो हमारा प्लूरल बन जाता वो, तो इस तरीके से आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो आपके दिमाग में वो चीज क्लिक जरूर होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है, तो अभी क्या आ रहा है आपका वाई, वाई वाला पोर्शन, कि अगर किसी नाउन में, ठीक है, अगर किसी नाउन वर्ड में आपको लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में, जैसे कि आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसी में से मीरा, छोटा वर्ड है, मीरा का लास्ट वर्ड क्या है, ए है या फिर आर ए है ना, मीरा का लास्ट वर्ड क्या है, एम डबल ई आर ए, तो वैसे ही मीरा क्या हो गई, एक नाउन हो गई, नाउन मतलब सभी को पता है ना, किसी नाम वस्तु शहर स्थान समथिंग समथिंग, ठीक है, तो वैसे ही सेम उसका भी सेम डेफिनेशन इंग्लिश भी है ना, तो वैसे ही अगर मैं मीरा ले रही हूँ और वैसे ही अगर कोई एक नाउन के अंत में, है ना, नाउन के अंत में आपको y दिखता हो, क्या दिखता हो, y, ठीक है, y दिखता हो और जस्ट y के पहले, क्लियर हो रहा है, एकदम आराम से बता रही हूँ, ठीक है, किसी नाउन के अंत में y हो और y के पहले, ठीक, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो, व्यंजन मतलब वॉवेल को छोड़कर, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, इन वर्ड्स को छोड़कर बाकी जितने भी आपको अल्फाबेट्स मिले वो कॉन्सोनेंट्स में भी आते हैं। ठीक है, तो वाई के बाद अगर मेरे पास कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट होगा तो उसको प्लूरल कैसे बनेगा,
क्या बताई थी मैं? IES जोड़ देते। कल सभी ने आंसर दिया था, बहुत सही था। तो ड्यूटी का क्या हो गया था? ड्यूटीज, ठीक है। और आगे समय वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट में क्या था कि अगर किसी नाउन के अंत में वाय हो और वाय के जस्ट पहले क्या हो आपका? स्वर हो, वोवेल हो, मतलब AEIOU। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीरा ही ले लेते हैं, मीरा लिखा है तो MEERA, तो R है आपका, लेकिन अगर वहीं पे Y आ जाता, Y के पहले A आ जाता, है ना? तो अगर कोई भी वोवेल आता तो उसके जगह पे हमारा क्या बनता, क्या जुड़ता? सिंपल सा S लगता, प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल की मतलब चाबी, KEY, की। तो अगर की का बहुवचन बहुत सारी चाबियां हैं तो सिंगुलर टू प्लूरल क्या होगा? कीज हो जाएगा, राइट। यहीं पे खत्म होता है कल का वाला। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा एडवांस, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड, तो भागना मत कि मैडम कहाँ चली गई करके। सब लोग नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 6, नंबर डाल दो, रूल नंबर 6, ठीक है। ठीक है, चलो लिखो रूल नंबर 6। इसको ध्यान से मतलब पढ़ना ना, ये थोड़ा सा अपना स्कूल से हटके है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, ठीक। किसी अनकाउंटेबल नाउन में, किसी अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गणना नहीं कर सकते, किसी अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में गिनती का बोध कराना हो, गिनती का बोध कराना हो, बोध मतलब जानना हो, है ना, गिनती का बोध कराना हो किसी अनकाउंटेबल नाउन में, गिनती का बोध कराना हो तो इंग्लिश में लिखना ना। अब अ मीन सिंपल ए, है ना, ए। फिर स्पेलिंग लिखो, मतलब ए लिख लिए, उसके बाद लिखो LOAF, लॉफ, लॉफ। इसको क्या बोलते हैं? लॉफ, LOAF मीन्स टुकड़ा बोल सकते हो आप, ठीक है, या पीस, है ना। तो अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन में गिनती का बोध कराना हो तो अ लॉफ स्लैश अ लॉफ ऑफ लिखना, ओ एफ, ठीक है, अ लॉफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, अ लॉफ ऑफ लिख दो क्या? मैसेज में देख लेना, मतलब पढ़ लेना, अ लॉफ ऑफ। देखो मैंने मैसेज किया है, ऐसे लिखना आप लोग, अ लॉफ ऑफ, ठीक है। और स्लैश लिखना अ पीस ऑफ, पीस मतलब भी टुकड़ा, अ पीस ऑफ, अ लॉफ ऑफ, अ पीस ऑफ, अ लॉफ ऑफ, अ पीस ऑफ, अथवा अथवा अ लॉफ ऑफ स्लैश अ पीस ऑफ, अथवा लॉज ऑफ,
लॉस कैसे स्पेलिंग लिखोगे? LOAVES, है ना, जैसे F को हटा के VES लगाते हैं ना, सेम वैसी स्पेलिंग होगा, लॉव्स ऑफ, लॉव्स बोलेंगे ना। हेलो हेलो, अभी आ रही क्या आवाज़? हेलो, हाँ हाँ बोल रही हूँ। ठीक है, आ रही क्या एक बार बता दो तो मैं फिर से, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, अभी तो आ रही है यार। हाँ हाँ ठीक है चलो 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 चलो, बैक टू स्टडी। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, रूल पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल आएगा तो और अच्छे से समझ जाएंगे, पहले उस चीज को समझ लो कि क्या है, है ना। मान लो जाए कोई अनकाउंटेबल चीज है आपके पास, ठीक है, उस अनकाउंटेबल को भी आपको गिनती कराना हो, ठीक है, तो उस अनकाउंटेबल नाउन में क्या बोल रही हूँ, गिनती कराना हो, ठीक है, तो गिनती कराने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, अ लॉफ ऑफ, अ पीस ऑफ, क्या बोल रही हूँ, लॉफ ऑफ पीस ऑफ, लॉफ मीन्स टुकड़ा, पीस मतलब टुकड़ा, तो लॉफ और लव्स, लॉफ और लव्स में डिफरेंस है, लॉफ मीन्स एक टुकड़े की बात हो रही है, लव्स मीन्स बहुत सारों की बात हो रही है, एफ वाला कंडीशन लगा है यहाँ पे, है ना, तो लॉफ और लव्स क्या बोल रहे हैं, लॉफ और लव्स, समझ में आ रहा है, किसी अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल में समझ रहे हो, ये कंडीशंस को ना एकदम ध्यान से रखना, मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती ना कराना हो लेकिन फिर भी हमको बताना है ना कि भाई हमारे पास इतना है, तो उस अनकाउंटेबल नाउन में अगर गिनती का बोध कराना हो, अगर एक की बात करेंगे तो अ लॉफ ऑफ या फिर अ पीस ऑफ, लेकिन अगर वहीं पे हमको ज्यादा बताना हो तो अ लव्स ऑफ और अ पीसेस ऑफ, समझ में आया, पीसेस ऑफ और लव्स ऑफ, अ नहीं लगाना है, अब एक सिंगल वाले के लिए लगेगा, लव और पीस में, क्लियर हो रहा है क्या ये चीज, मुझे बताओ। हाँ चलो अब एग्जाम्पल देती हूं, ठीक, मेरे साथ लिखो तो, ही गॉट अ टू ब्रेड्स, ही गॉट अ टू ब्रेड्स, एग्जाम्पल लिखो, ही गॉट, एग्जाम्पल, ही मतलब वाह, गॉट मतलब पाया, ही गॉट टू मतलब
2 2 ब्रेड BREAD ब्रेड ही गॉट 2 ब्रेड है ना। एग्जाम्पल लिखे क्या, ही गॉट 2 ब्रेड। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिख दिया गया है, ब्रेड। अब आप लोग बोलोगे कि ब्रेड तो एक काउंटेबल है ना, तो ब्रेड है तो ब्रेड मतलब काउंटेबल नाउन आ रहा है, मतलब इसको तो हम टुकड़ों में गिन सकते हैं, लेकिन ये टुकड़ों वाला ब्रेड नहीं है, है ना। जब भी ब्रेड बनता है तो एक मतलब एक स्क्वायर एक उसमें बनता है, क्या बोलना चाहिए, चौकोर जब बनकर आता है, कटा वाला नहीं है ना, तो ये वो है। ठीक, तो ये ही गॉट अ 2 ब्रेड लिखा है, तो ये क्या सही है क्या, नहीं। यहाँ पर क्या आएगा बताओ आप लोग, लॉफ लिखेंगे कि लॉव्स लिखेंगे, जल्दी बताओ। 2 ब्रेड है हमारे पास, 2 ब्रेड है तो उसमें या तो पीसेस यूज कर लो या पीस यूज करो, जल्दी बताओ क्या लिखोगे, लॉफ लिखोगे या लॉव्स लिखोगे। और अगर समझ में नहीं भी आ रहा है वो भी बताओ, और जिसको आ गया है वो मेरे को आंसर भी बताओ। सिंपल सा बताना है, लॉव्स आएगा कि लॉफ आएगा, क्या आएगा, हाँ तुम बताओ, लॉव्स, जल्दी बताओ। बाकी लोग मैसेज देख रही हूं मैं, बताओ। एग्जाम्पल है ही गॉट 2 ब्रेड, क्लास में एक बच्चे ने बता दिया है, बेटा आप मुकेश आपने जो पीस की बात कही है ना वो शांति है, वो शांति तो खैर जिंदगी में फिलहाल नहीं है, जो टुकड़ा है ना वो पीस का स्पेलिंग गलत है। पीस की स्पेलिंग है PIECE, ठीक है, पर आंसर गलत है। हमारे पास 2 ब्रेड है, 2 ब्रेड है तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। अरे डिलीट भी कर दिए। इतनी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए थी। अरे समझ में नहीं आया तो वो भी बता दो मुझे प्लीज, तो मैं फिर से ये लाइन को रिपीट करूंगी। ये रूल समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगी, मेरे को आप लोग को ये मतलब पढ़ाना जरूरी है भाई, कि आना चाहिए सबको, और भागना तो बिल्कुल नहीं है इंग्लिश की क्लास में। बताओ मेरे पास 2 ब्रेड है, आई मतलब चलो ही गॉट अ 2 ब्रेड की जगह आई गॉट अ 2 ब्रेड हो गया, आई गॉट 2 ब्रेड, 2 ब्रेड है तो उसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। हम लोग तो हमेशा ऐसे ही बोलते ना, आई गॉट 2 ब्रेड, पर गलत है। बताओ क्या आएगा, लॉफ, लॉफ की स्पेलिंग गलत है इसलिए मैंने लिखा था। सच में डिलीट कर दिया लड़के ने। लॉफ की स्पेलिंग है LOAF, LOAF लॉफ मींस टुकड़ा, लेकिन लॉफ नहीं आएगा। मैंने क्या बताया, जब मेरे पास 1 ब्रेड होता तो मैं लॉफ या पीस की बात करती, मेरे पास 2 ब्रेड है तो मैं लॉफ्स की बात करूंगी और पीसेस की बात करूंगी। क्लियर हुआ, मेरे पास 2 ब्रेड है मतलब बहुवचन है, एक से ज्यादा हो गया, तो मेरे पास 2 ब्रेड है तो मैं लॉफ यूज करूंगी कि लॉव्स यूज करूंगी, ये लव वाला नहीं है लॉव्स है। ठीक है, तो 2 ब्रेड है तो कौन मतलब क्या यूज करूंगी, हाँ सही है पीतांबर, पर यहां पे ए लगा दो ना, ये लव्स हो गया। ठीक है, LOVES है, स्पेलिंग करेक्ट लिखा करो भाई। ये लूज क्या होता है मुकेश। काश क्लास में रहते आप लोग। स्पेलिंग लिखो जल्दी से, LOAF ये लॉफ हो गया 1 के लिए, और 2 के लिए LOAVES, 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 क्लियर हुआ। चलो अब इसका करेक्ट क्या होगा देखते हैं।
क्या लिखा है? ही गॉट टू ब्रेड. तो ब्रेड मेरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. रूल क्या कहता है? किसी अनकाउंटेबल नाउन में गिनती का बोध कराना हो तो एक एक वचन के लिए लॉफ या पीस और बहुवचन के लिए लॉव्स या पीसेस. ठीक है, तो मेरे पास दो ब्रेड है तो मैं क्या यूज करूंगी? हमारे दो ऑप्शंस में लॉव्स यूज करूंगी. लॉव्स मीन्स क्या होता है? एल ओ ए वी ई एस. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट वर्जन क्या आएगा आपका? ही गॉट एल ओ ही गॉट टू ही गॉट टू लॉव्स एल ओ ए वी ई एस लॉव्स ब्रेड. ठीक है, ठीक है ना? तो करेक्ट हुआ, लिखो. हाँ सही है द्रौपदी. हाँ पीसेस भी लिख सकते हो, लॉब्स भी लिख सकते हो. ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे फाइंड आउट करने आना है हमको कि हमारे पास दो ब्रेड नहीं है, हमारे पास दो ब्रेड्स हैं, है ना? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लॉफ या लॉव्स लगाना है. तो दो है तो मैंने क्या लिखा? ही गॉट टू लॉव्स ब्रेड. क्लियर हुआ? एकदम अच्छे से हुआ है तो बताओ, मैं आगे बढ़ती हूँ. अगर इसमें डाउट है तो मुझसे फिर से पूछो. हुआ? मैम एक बार और बताइए रूल को. ओके ठीक है, देखो किसी अनकाउंटेबल नाउन. अच्छा चलो, ये ब्रेड की बात हो गई. पोयम और पोइट्री में पता है ना थोड़ा सा रूल, मतलब पोयम मीन्स एक 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 लाइन कविता, है ना? मतलब या चार लाइन, लेकिन पोइट्री तो एकदम बड़ी सी होती है ना? तो पोयम और पोइट्री में क्या यूज करेंगे वो डिफरेंसेस है. वैसे यहाँ पे अगर मैं एक ब्रेड की बात कर रही हूँ, मेरे पास एक ब्रेड है, तो क्या आएगा उसका इंग्लिश? आई हैव वन, या आई हैव अ लिख लो, या वन भी लिख सकते हो. आई हैव वन लॉफ लॉफ ऑफ ब्रेड. ठीक है, आई हैव अ लॉफ ऑफ ब्रेड. ठीक है, मेरे पास एक ब्रेड का टुकड़ा है. लेकिन अगर वही मैं बात करूं, मेरे पास दो ब्रेड का टुकड़ा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव टू लॉव्स ऑफ ब्रेड. लॉव्स ऑफ ब्रेड, लॉव्स मीन्स बहुवचन के लिए यूज होगा. स्पेलिंग क्या है? एल ओ ए वी ई एस. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अच्छे से? हो गया? बताओ क्लियर हुआ आशीष? हाँ हो गया. अब मान लो जाए, एक और एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो. क्लियर हुआ कि नहीं सबको, कि एक बार और रिपीट करूं? लिखो. लिखो it is a nice piece मतलब टुकड़ा वाला पीस ना, P-I-E-C-E. It is a nice piece, P-I-E-C-E piece. It is a nice piece of poetry. Poetry, poetry की spelling बताऊं क्या? P-O-E-T-R-Y, poetry. It is a nice piece of poetry. It is a nice piece of poetry.
ठीक है, अगर इसी को मैं लिख दूं इट इज अ नाइस पोएट्री तो मेरा गलत हो जाएगा। इसी को मैं लिख दूं इट इज अ पोएट्री तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोएट्री मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, तो मेरे को आ के बाद कौन सा यूज करना है, लॉफ लिखना है क्या, लेकिन ये टुकड़ा है, या फिर आप इसके लिए बेस्ट यूज करोगे पीस, है ना, पेपर वगैरह के लिए पीस यूज करोगे। ठीक है, तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन है और उसको मुझे किसी गिनती का बोध कराना हो तो क्या होगा कि सारे पोएट्री में ये पोएट्री ज्यादा अच्छा है ना, तो इट इज अ नाइस पीस ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो नाइस पीस लिखेंगे, ठीक, पीस लिखेंगे, सिंपल सा इट इज अ पोएट्री नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनकाउंटेबल नाउन में अ लॉफ ऑफ अ पीस ऑफ यूज होता है। तो अगर मैं सिंपल सा पोएट्री मेरा क्या है, नाउन हो गया, नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन में अगर मुझे गिनती का बोध कराना हो तो मैं अ नाइस ऑफ या अ पीस ऑफ, सॉरी, अ पीस ऑफ या लॉफ ऑफ यूज करूंगी, तो पोएट्री के लिए मैं पीस लिख लूंगी। ठीक है, तो इट इज अ नाइस पीस ऑफ पोएट्री, थोड़ा सा नया लगेगा, समझोगे एक दो बार तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल और दे दूंगी ना, तो अगर डिफिकल्टीज आएगी तो क्लियर होगा। ठीक, क्लियर हुआ? चलो अब रूल नंबर 7th लिखो। रूल नंबर 7, ये था अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब लिखते हैं क्वांटिटी या अमाउंट वाले में, है ना। रूल नंबर 7th, ठीक, यदि लिखो, यदि, यदि साथ में लिखो पहले मेरे, यदि क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी का स्पेलिंग पता चल जाएगा क्या, QUANTITY, क्वांटिटी स्लैश अमाउंट, अमाउंट पैसा वाला अमाउंट, क्वांटिटी स्लैश अमाउंट से, क्वांटिटी स्लैश अमाउंट से मात्रा की जानकारी मिलती है, मात्रा की जानकारी मिलती है, मिलती है, मात्रा की जानकारी मिलती है, जबकि, जबकि नंबर से, नंबर मतलब नंबर लिखो पूरा ना, NUMBER, नंबर से संख्या की जानकारी मिलती है, संख्या की जानकारी मिलती है। ठीक, नंबर से संख्या की जानकारी मिलती है, नंबर से संख्या की जानकारी मिलती है, क्वांटिटी स्लैश अमाउंट, है ना, मतलब इतनी क्वांटिटी में है, मतलब मात्रा में है, है ना, अगर वही इतने नंबर में, मतलब संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, जहां पे मैं 4 कपड़ों की बात कर रही हूं तो वो किस में आएगा, नंबर में आएगा। अगर वही मैं 1 किलो 2 किलो और मतलब किलोज में, है ना, या लीटर्स में बात करती हूं तो वो किस में आएगा, आपके क्वांटिटी में आएगा। क्लियर हुआ, है ना। तो अगर हमको प्लूरल है, प्लूरल कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब कोई चीजें बहुवचन में लिखी हुई है, तो उसको हम कहां पे क्वांटिटी लगाएंगे और कहां पे क्या लिखाएंगे, नंबर कहां पे लिखाएंगे, ये हमको सीखना है। क्लियर हुआ क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। ठीक, क्या करना है हमको, क्वांटिटी या फिर नंबर यूज करना है।
कि कहां पे हमारा क्वांटिटी यूज होगा और कहां पे नंबर होगा। क्वांटिटी की तब बात करेंगे जब हमको 2 किलो, 3 किलो, मतलब किलोज या डजन्स या फिर क्या बोलना चाहिए, लीटर्स की बात हो रही है तो वो क्वांटिटी में आता है। लेकिन अगर वही चीज मेरे नंबर में यूज होगा तो मेरा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये सब किस में आएगा, आपके नंबर्स में आएगा। तो अगर कोई चीज मेरे पास बहुवचन में हो, अब आते हैं हमारे पास क्या कि हम तो प्लूरल और सिंगुलर नाउन पढ़ रहे हैं, तो कोई एक वचन से बहुवचन में कैसे कौन सा नंबर यूज होगा और कौन सा क्वांटिटी यूज होगा ये देखते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो एग्जाम्पल, ये लिख लियो ना, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, रमेश मुकेश का भाई रमेश है क्या, रमेश गॉट अ, गॉट जी ओ टी, गॉट अ अलग है ना, रमेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, बी डबल ओ के एस, बुक्स, ठीक है। रमेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, रमेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, लिखते भी हो कि सिर्फ हवा में सुन रहे हो, 10 बार रिपीट कर रही हूं मैं, है ना, नोट्स जरूरी है आप लोग के। रमेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, अब देखो अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, रमेश गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक, लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स, बताओ दोनों में से कौन सा रहेगा, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे ना एक या दो ऑप्शन ऐसा ना वो देना, सबका मत देना कि पहला वाला सही है दूसरा वाला सही है, ठीक है। पहले वाले में क्या लिखा है ध्यान से सुनो, रमेश गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, मतलब रमेश ने बहुत सारी संख्या में या बहुत संख्या में बुक्स पाया, है ना, रमेश ने संख्या में बुक्स पाया, या रमेश गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक कि रमेश ने भारी मात्रा में बुक पाया, भारी संख्या में बुक पाया या भारी मात्रा में बुक पाया, बताओ पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है, जल्दी से बताओ पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा ऑप्शन सही है, बताओ दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए। हाँ, भारी संख्या में बुक्स है उसके पास कि भारी मात्रा में बुक्स है, पहला कि दूसरा, भारी मात्रा में बुक्स है कि भारी संख्या में बुक्स है, हाँ बताओ आप लोग, बताओ ऑनलाइन वालों बच्चों, आप लोग के पास भारी संख्या में बुक्स है कि भारी मात्रा में, द्रौपदी का आ गया, मुकेश का आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी सोचो, निर्मल भारी संख्या में, और बताओ फिर मैं एक साथ बताऊंगी, सॉरी निर्मला, सॉरी निर्मला, भूमिका, मीरा और नबील फर्स्ट, और ठीक है लगभग बच्चों का आ चुका है, हाँ तो आप लोग बिल्कुल सही हो, है ना, कि भारी संख्या या गॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, मतलब हमारा बुक्स क्या है नंबर में आता है ना, हमारा जो है मात्रा लेते हैं क्या किसी भी बुक्स का, नहीं, वो तो किस में रहेगा संख्या में, तो यहाँ पे बुक्स क्या है आपकी,
नाउन है जो कि प्लूरल में है। क्लियर हुआ? बुक्स किस में है? प्लूरल में है। एक बुक की बात होती क्या तो यहाँ पे आता क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका? ये प्लूरल में है, ठीक है। प्लूरल में अगर क्वांटिटी या अमाउंट की बात हो रही है, अगर वो काउंटेबल है तो क्या होगा? नंबर यूज होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं एग्जाम्पल, इसी में है ना। सीता हैड अ, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर दो, सीता हैड हैड अ, सीता हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, सीता हैड अ नंबर ऑफ शुगर, कौन सा सही होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर होगा कि नंबर ऑफ शुगर होगा? बताओ, लार्ज अमाउंट वाला होगा। शुगर के लिए क्या यूज करोगे? नंबर यूज करोगे कि लार्ज अमाउंट यूज करोगे? वेरी गुड देवेश, तो लगभग सभी को ये पता होगा, है ना। शुगर मतलब किलोज, मात्राज में आएंगे ना, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो सीता हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। क्लियर हुआ क्या? शुगर और क्वांटिटी वाली चीजें, ये भी नाउन में ही है ना। क्लियर हुआ ना? अच्छे से मैं होमवर्क दूंगी, डरने की जरूरत नहीं है, गलत भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट रूल डालो, मैं जब तक रब कर रही हूं ना, सोना बिल्कुल नहीं। पानी वानी पी के बैठा करो, बॉटल वॉटल रखा करो अपने पास, जहां नींद आए तो पीना नहीं, उसको मुंह में मार लेना। बोतल को नहीं मारना, पानी मारना, ठीक है, नहीं तो पता चला गिर जाओगे। वैसे नहीं मारोगे, इतना तो पता ही है, ये जल्दी साफ भी नहीं होता। चलो रूल नंबर कौन सा था? एट्थ रूल नंबर एट, ठीक है। अब रूल नंबर एट क्या कहता है, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक। लिखो रूल नंबर एट, यदि यदि लिखो यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन लिखो और बीच में धन का चिन्ह लगा दो और प्रीपोजिशन लिखो, मतलब अगर प्रीपोजिशन उसके पास आता है तो, है ना। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन, मतलब जो पहले आया था, है ना। यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन, वही नाउन मतलब जो पहले वाला नाउन है ना, वही नाउन हो तो, वही नाउन हो तो, वही नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ, प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ, प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग, सिंगुलर नाउन का प्रयोग
किया जाता है। रूल क्या कह रहा है, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन जो पहले आया था, है ना, मतलब सीता प्रीपोजिशन सीता, है ना। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल एक बार और रिपीट करूं क्या, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, पहला डे बाय डे, डी ए वाई डे मतलब दिन, है ना, डे बाय बी वाई बाय, फिर से डे डी ए वाई, ठीक, डे बाय डे दिन प्रतिदिन बोलते हैं ना, या दिन बाय दिन, तो उसको क्या बोलते हैं, डे बाय डे, दिन बाय दिन हालत खराब हो रही है, डे बाय डे इसकी हालत नीचे जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, डे बाय डे, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या आ गया अपना, बाय, बी वाई बाय। अब डे क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन, एस लगा है क्या, नहीं, तो कौन सा नाउन है ये, सिंगुलर नाउन। तो मेरा रूल क्या कहता है, अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन है और उसके बाद फिर से वही नाउन है जो पहले आया था, तो जो दोनों नाउन है वो सिंगुलर होगा, दोनों नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऐसा कत्ते नहीं लिखोगे कि डेज बाय डेज, ये गलत है, डेज बाय डेज नहीं लिखना है, एस लगाना नहीं है, या फिर ऐसे नहीं लिखना है कि डे बाय डेज। मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो रहा है क्या, डे बाय डेज नहीं लिखना है, ना ही डेज बाय डेज लिखना है, ठीक है। हमारा जो रूल क्या कहता है कि दोनों सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन में होगा। क्लियर हुआ, अच्छे से हुआ, अच्छे से हुआ। नेक्स्ट और एक देख लो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखो, वुमन, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा लिखो वुमन, वुमन की स्पेलिंग यहां पे बहुवचन में पहले लिखो, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन का बहुवचन क्या होता है, वुमेन ही होता है, लेकिन एम ई एन होता है उसका स्पेलिंग, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन, है ना, वुमेन, बीच में प्रीपोजिशन है आफ्टर, ए एफ टी ई आर, आफ्टर, वुमेन आफ्टर, फिर से वुमेन लिखो, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन, ठीक है। वुमेन आफ्टर वुमेन, दोनों बहुवचन में है, बहुवचन की स्पेलिंग डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन आफ्टर वुमेन। अब रूल क्या कह रहा है, एक औरत की बात होती तो स्पेलिंग क्या आता, डब्ल्यू ओ एम ए एन, लेकिन रूल क्या कहता है, बहुवचन के लिए क्या रहता है, डब्ल्यू ओ एम ई एन। ये दोनों को जानते हो कि नहीं आप लोग, एक वचन से वुमन और मैन का जानते हो ना, बताओ पहले। मैम आपको कोल्ड है क्या, क्या ही क्वेश्चन है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, क्यों मुझे क्या नाक पूछते देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। चलो, तो रूल क्या कह रहा है कि यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन होता है तो दोनों तरफ क्या होता है, सिंगुलर होगा। तो बताओ मेरे को, वुमन आफ्टर वुमन का क्या होगा,
हाँ, ये दोनों बहुवचन में है और रूल क्या कहता है, सिंगुलर में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, करेक्ट करो। वुमेन आफ्टर वुमेन का क्या होगा, जल्दी से लिखो। जल्दी जल्दी आंसर दो, वुमेन आफ्टर वुमेन का क्या होगा। प्रीपोजिशन के दोनों तरफ जो नाउन है वो अभी बहुवचन में है, दोनों सिंगुलर में होगा, तो सिंगुलर में वुमेन का स्पेलिंग क्या होता है, जल्दी से टाइप करके भेजो। हाँ बिल्कुल सही। बाकी लोग, देवेश, वुमेन का क्या है, ये बहुवचन है, सिंगुलर में क्या होगा, वुमेन आफ्टर वुमेन लिखा है, वुमेन आफ्टर वुमेन लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा रूल के अकॉर्डिंग, कि अगर प्रीपोजिशन आ रहा है और दोनों तरफ सेम नाउन है तो नाउन सिंगुलर हो जाता है। अभी मेरे पास प्लूरल में है तो सिंगुलर में कैसे बनेगा, करेक्ट करो। वुमेन आफ्टर वुमेन लिखा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे डेज बाय डेज का था तो डे बाय डे हुआ था, वैसे वुमेन आफ्टर वुमेन का क्या होगा, द्रौपदी। पूरा आंसर करो मुकेश, पूरा आंसर करो। वुमेन आफ्टर वुमेन का क्या होगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड द्रौपदी। बाकी लोग, तो अगर हमको यहाँ पे क्या होगा, क्या रूल कहता है कि मेरे पास अगर नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है और उसके बाद फिर से मेरे को वही नाउन मिला है, तो आंख बंद करके हमको सिंगुलर नाउन में इसको चेंज करना है, तो वुमन आफ्टर वुमन होगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन तो लगभग वैसे ही रहेगा लेकिन स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, WOMAN आफ्टर WOMAN, दोनों सिंगुलर में है, एक वचन में है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल सही, वुमन आफ्टर वुमन। ठीक है, मैंने ज्यादा देर पढ़ा दिया, 1 मिनट पूरे ज्यादा हो गए। चलो इतने ही देखते हैं, नहीं तो आप लोग भी थोड़ा सा हिल जाओगे। मैं बाकी का ना मैं आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि सोनी सर बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा जल्दी पढ़ाना है, क्योंकि उनको बहुत सारा पढ़ाना है करके। ठीक है, तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक, और इसी से रिलेटेड कुछ ना मैं डाल देती हूँ होमवर्क, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, घबराना मत, बिल्कुल बिंदास गलत भी बनाओ मैं करेक्ट करवा दूंगी, बस स्पेलिंग थोड़ा सा सही लिखा करो, बड़े बच्चे हो आप लोग यार। ठीक है चलो, हाँ सही बनायो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इन्हीं रूल्स के मैं कुछ कुछ और पुराने रूल्स के मैं यहाँ पे किसमें टेलीग्राम में लगभग सभी हो ना, जो नहीं होगे मैसेज कर देना मेरे को ना यहाँ पे। चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, सब ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कामयाब हो, बाय, गुड नाइट।